नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भूबिया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो 143 साल बाद होगा और इसी के साथ वहां से 143 साल पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कामकाज नए तरीके से होगा और इसी के साथ दरबार मूव परंपरा भी खत्म हो जाएगी। क्या है दरबार मूव परंपरा, आपको हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर देश का एक अकेला ऐसा राज्य है जिसका सचिवालय 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू में काम करता है। वहां के हाईकोर्ट समेत कई विभाग शीतकाल में जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं और अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में श्रीनगर चले जाते हैं। इसकी शुरुआत 1872 में डोगरा शासनकाल में हुई थी। ऐसा करने के पीछे दो कारण थे। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर राज्य की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियां बहुत अलग है। दूसरा ये कि उस वक्त के महाराजा का मकसद था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहे। दरबार मूव की परंपरा हर साल करीब 600 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर देती है। डोगरा महाराजा रणबीर सिंह ने दरबार मूव की परंपरा शुरू की थी। उस समय ये काम बैलगाड़ियों और घोड़ों से होता था और महाराजा दरबार शिफ्ट होने के बाद एक बड़ा समारोह भी आयोजित करते थे। समारोह को छोड़कर बाकी सब परंपराएं आज भी चल रही हैं। इससे सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इस दौरान सचिवालय के सभी खर्च, कर्मचारियों के सभी खर्च सरकार को उठाने पड़ते हैं। ये कर्मचारी अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं और महंगे होटलों में ठहरते हैं। इनका पूरा सामान लेकर आना, ये समझो कि पूरी की पूरी राजधानी को शिफ्ट करना होता है हर 6 महीने बाद। इससे सरकार पर 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बोझ पड़ता है। खैर दोस्तों, अब 370 हट गया है। जैसे ही 30 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो जाएंगे, वैसे ही ये दरबार मूव की परंपरा भी खत्म हो जाएगी और जम्मू कश्मीर राज्य इस बोझ से मुक्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की इस आज़ादी पर आप क्या कहेंगे, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।